हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज एपलॉक पासवर्ड इन पोको मोबाइल। तो फ्रेंड्स, आप अपने पोको मोबाइल के अंदर एपलॉक के पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे करना क्या होगा, एपलॉक के पासवर्ड को जो फ्रेंड्स चेंज करने के लिए मोबाइल की सेटिंग को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्क्रॉल ऑन करना है। स्क्रॉल ऑन करने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या, जैसे आप यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन देखने मिलता है एपलॉक का। एपलॉक पर क्लिक करना है, क्योंकि मेरा एपलॉक सेट नहीं है, मैं यहाँ पे एपलॉक को सेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने एपलॉक को सेट कर लिया तो यहाँ पे फ्रेंड्स एपलॉक को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक करके 4 सेकंड वेट कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स यहाँ से मैं 4 सेकंड वेट कर लूँगा, उसके बाद फ्रेंड्स नोट नाउ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यूज एपलॉक पे क्लिक करता हूँ। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या होगा, आप लोग जो भी आपको मैंने देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने दिखा दिया आप लोग इसको चेंज करने के लिए। यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोबारा एपलॉक पर क्लिक करता हूँ तो मेरा फ्रेंड्स एपलॉक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसको पासवर्ड यहाँ पे ये टिक करके कुछ है, तो फिर इसको चेंज करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे चेंज पासवर्ड टाइप पे क्लिक करता हूँ और पैटर्न पे दोबारा क्लिक करके मैं यहाँ से पासवर्ड दोबारा उसमें क्लिक करता हूँ पैटर्न पे। तो मैं इसका पासवर्ड इस तरह चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा टिक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, दोबारा से यही पासवर्ड सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से आपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब।